श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा भवन निर्माण, मनरेगा और अन्य कार्य निर्माण से जुड़े लोगों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहायता पूर्व कांग्रेस सरकार व राजनीतिक दलों पर छल करने के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने हमीरपुर मुख्यालय पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार संघ के कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा लोगों को वॉशिंग मशीन, साइकिल, सिलाई मशीन वितरित समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। हमीरपुर के दुसड़का में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम धूमल ने शिरकत की और लोगों को सामान वितरित किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने खुलासा किया कि शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपने स्टिकर लगाकर और पंजीकरण शुल्क लेकर सामान दिया जा रहा था, जो कि नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में पात्र लोगों की सही पहचान हो सके, इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता अपनी तरफ से हर गांव जाकर लोगों को चयनित करें। पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि जिन एनजीओ ने इस तरह के लोगों के साथ धोखा किया है, ऐसी एनजीओ से भी लोगों को सजग रहना चाहिए ताकि ठगी से बचा जा सके। बोर्ड के माध्यम से मजदूरों को बहुत सारा सामान बांटा जाता है, जिसका कुछ लोग राजनीतिक दुरुपयोग भी कर रहे थे। क्षेत्र में जाने के बाद हमारे ध्यान में आया कि जो फॉर्म 10 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवा देता है, वो फॉर्म कुछ लोगों को 100 रुपए में, किसी को 150 में, किसी को 200 में, 300 में, एक दो जगह तो 500 तक की बात आई। कुछ लोगों ने बेचा और जो सामान मिला उस पर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेताओं के स्टिकर लगा दिए गए। आज बहुत सारी बहनें अपना सामान लेने के लिए आई थी, तो उनको हमने बताया कि एक बार केवल 10 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और 3 साल के बाद 15 रुपए में नवीनीकरण उसका हो जाता है, उसका रिन्यूअल हो जाता है, तो सैकड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं जिनके 90 दिन मनरेगा में हो गए हों या लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, मजदूर का, मिस्त्री का, किसी और काम का, और उनको ठेकेदार या मालिक सर्टिफिकेट दे दे कि 90 दिन मेरे पास काम किया है, तो उसका भी पंजीकरण हो सकता है। उनका पंजीकरण करवाइए और उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है इसके बारे में जानकारी दें। जैसे बीमार होने की स्थिति में 30,000 रुपया साल तक की मदद इसके माध्यम से मिलती है, शादी बच्चों की हो तो 25,000 रुपये तक की मदद मिलती है, पहली क्लास से लेकर PhD तक बच्चे पढ़ते हैं तो उनको आर्थिक सहायता मिलती है। ऐसी अनेकों सुविधाएं हैं, कहीं वॉशिंग मशीन दी जा रही है, साइकिल दिया जा रहा है, इंडक्शन हीटर दिया जा रहा है और सोलर लैंप्स दिए जा रहे हैं, तो पात्र लोगों को मिले और बिना किसी पैसा खर्च किए मिले, हमारे सहयोग से मिले, सहायता से मिले, विभाग उसमें सतर्क रहे और हमारे कार्यकर्ता भी सतर्क रहे। इसलिए आज लोग आए थे तो उनसे बात हुई है, उनको समझाया है कि किसी के शोषण में मत फंसिए, किसी को उकसाहट में मत आइए, अपना अधिकार लीजिए, अधिकार से लीजिए, मोदी सरकार दे रही है उसको प्राप्त कीजिए।